आप सभी अपनी बैठक को आसान बनाइए, सरल कीजिए, तनाव मुक्त होइए। आज हम मैत्री भावना का विकास करने वाले हैं, उसका आनंद लेने वाले हैं। जितनी आपकी बैठक अच्छी होगी, आप उतना ही आनंद ले पाएंगे और आपका जो तनाव है, शरीर और मन दोनों का ही, मैं ये तो नहीं कह सकता खत्म होगा, लेकिन कम जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। चंद गहरी सांसें लीजिए। अपना पूरा अस्तित्व नासिका के अग्रभाग पर लगाइए और देखिए हमारी सांस आ रही है, जा रही है, और ये जन्म से लेकर के अब तक आ जा रही है। आज का ध्यान मैत्ता भावना पहला चरण, स्वयं के लिए मैत्ता, अपने मन चक्षु के सामने अपना हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा लाइए, ऐसे समय का जब आपको बहुत खुशी हुई है, और उस चेहरे को बरकरार बनाए रखिए और अपने मन से अच्छे अच्छे वचन मेरे साथ दोहराइए। देखिए अपने चेहरे को, याद कीजिए ऐसा क्षण जब आपको बहुत खुशी हुई। मैं सुखी रहो, मैं शांत रहो, मैं आनंदी रहूं, मैं निरोगी रहो, अपने शरीर पर इनका प्रभाव देखिए। मेरा आध्यात्मिक विकास कल्याण मंगल बार बार इन भावनाओं का विकास कीजिए।
आनंद लीजिए। मेहता भावना विकास का दूसरा चरण और गहराई में अपने साथ साथ अपने प्रिय व्यक्ति के जो मित्र है आपका उसके बारे में सोचिए, उसका चेहरा सामने लाइए और जैसा अभी आपने अपने लिए विकसित किया है उसी तरीके से मंगलकारी शब्द बोल करके मेहता भावना का विकास कीजिए। याद कीजिए अपने मित्र को, आप नाम भी ले सकते हैं, अगर हम उम्र है तो और अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे पुरुष के लिए पुरुष, महिला के लिए महिला और मृत व्यक्ति के साथ कभी मैत्री नहीं की जाती। तो याद कीजिए अपने प्रिय मित्र को, लाइए सामने। है सुखी रहे, वो है शांत रहे। उसे भी आनंद मिले, वह भी निरोगी रहे। उसका विकास हो, तरक्की हो, उसका कल्याण हो,
मंगल हो। बार बार प्रयास कीजिए अपने प्रिय मित्र की मंगल कामना कीजिए। मैत्ता भावना का तीसरा चरण, याद कीजिए ऐसे तटस्थ व्यक्ति को जिससे आपका कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। कभी कभी मुलाकात होती है या हुई है, अब नहीं है। याद कीजिए उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन चक्षु के सामने लाइए और उसके लिए भी उसी प्रकार मंगल भावनाएं विकसित कीजिए जो अपने लिए की हैं और अभी अभी अपने प्रिय मित्र के लिए की हैं, उसके लिए भी उन्हीं भावनाओं का विकास कीजिए और विकसित कीजिए अपने आप। याद कीजिए याद कीजिए वो सुखी रहे, वह शांत रहे, वह आनंदी रहे, रोगों से मुक्त रहे, उसका भी आध्यात्मिक विकास हो, कल्याण हो, मंगल हो। बार बार मंगल कामनाएं विकसित कीजिए, खिलने दीजिए अपने मन के पुष्प को।
मैत्ता भावना विकास का चौथा चरण। याद कीजिए अपने अप्रिय व्यक्ति को, पुरुष के लिए पुरुष, महिला के लिए महिला, याद कीजिए। ध्यान रहे आपको उसके गुण देखना है, अब गुण नहीं, उसकी अच्छाइयां देख ली, याद कीजिए ऐसे व्यक्ति को जिससे आपकी नहीं पड़ती, विचार नहीं मिलते, फिर भी वो एक इंसान उसके में अच्छे गुण हैं, याद कीजिए। उसके लिए भी उन्हीं मंगल भावनाओं का विकास कीजिए जो अपने लिए, प्रिय मित्र के लिए और तटस्थ व्यक्ति को, ठीक उसी प्रकार बल्कि और गहराई से प्रकाशित कीजिए अपनी मैत्री को अप्रिय व्यक्ति के लिए, वो सुखी रहे। वह शांत रहे, उसे भी आनंद ही आनंद मिले। वह रोगों से मुक्त रहे, उसका भी विकास हो, तरक्की हो, कल्याण हो, मंगल हो, और गहराई में जाकर के खिलने दीजिए अपने मन के पुष्प को, और विकास कीजिए मेत्ता भावना का, बार बार कीजिए।
मैत्ता भावना विकास का पांचवा और आखिरी चरण। असीमित कीजिए अपनी मैत्री को सभी प्राणी मात्र के हितार। सबसे पहले ये पहले चार स्वयं, प्रिय मित्र, तटस्थ व्यक्ति और अप्रिय व्यक्ति के लिए एक साथ हम चारों सुखी शांत आनंदी निरोगी हो, हम चारों का विकास कल्याण हो, मंगल हो, हमारे सामने ऑनलाइन उपस्थित सभी धर्मचारी, धम मित्र, धर्मचारिणी, सभी मेरे प्यारे भाई बहने, सभी सुखी शांत, उन्हें भी आनंद, निरोगी हो, उनका भी विकास हो, कल्याण हो, मंगल हो। अपनी मैत्री का और विस्तार कीजिए, खुलने दीजिए, खिलने दीजिए अपने आप को। जहां जहां भी हम जिन परिवारों में रहते हैं, उन परिवार के सभी सदस्य, छोटे हो या बड़े हो, पुरुष या महिला, सभी सुखी हो, शांत आनंदी हो, निरोगी हो, उन सभी का कल्याण हो, मंगल। और खुला कीजिए अपने आप को, विकसित होने दीजिए अपनी मैत्री को। हम जहां जहां भी, जिस मोहल्ले में, शहर में या प्रदेश में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां के सभी व्यक्ति सुखी हैं, शांत हो, आनंदी हो, उन सभी का विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल। अपनी मैत्री को और विकसित कीजिए, खुला कीजिए अपने आप को। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, समस्त भारतवासी सभी सुखी हो, शांत हो, आनंदी हो, निरोगी हो, उन सभी का विकास हो, कल्याण हो, मंगल हो। और खुला कीजिए अपने आप को, होने दीजिए अपनी मैत्री को विकसित। भारत के समस्त पड़ोसी देश और समस्त विश्व के निवासी, चाहे वो उत्तरी अमेरिका में हो या दक्षिणी अमेरिका में रहते हो, यूरोप वासी हो या अफ्रीका वासी, एशिया वासी हो या ऑस्ट्रेलिया वासी, जहां जहां भी रहते हो, समस्त संसार के सभी व्यक्ति, सभी लोग सुखी हो, शांत हो, आनंदी हो, निरोगी हो, उन सभी का विकास हो, कल्याण हो, मंगल हो। और खुला कीजिए अपने आप को, असीमित कीजिए अपनी मैत्री को। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, आकाश में उड़ने वाले सभी प्रकार के पक्षी और जल में रहने वाले सभी जलचर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल, वे सभी प्राणी सुखी, शांत, आनंदी हो, उन सभी का विकास हो, कल्याण हो,
मंगल। इस सुंदर वसुंधरा पर रहने वाली समस्त प्रकार की वनस्पति, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल, छोटे पौधे से लेकर विशाल वृक्ष तक, सभी प्रकार की फसलें, सभी प्रकार के फल देने वाले वृक्ष, सभी विकसित होते रहें, सभी फलते फूलते रहें, सभी खिलते रहें, सभी हरे भरे रहें, उनका भी विकास हो, अपनी मैत्री को और विकसित कीजिए, समस्त ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से परे भी जहां जहां जीवन है, सभी प्रकार के जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल, वो चाहे उत्पन्न हो अनुत्पन्न हो, पास के हो दूर के हो, सूक्ष्म हो या विशाल हो, दृश्य हो अदृश्य हो, जैसे भी प्राणी हैं, सभी सुखी हो, सभी शांत हो, सभी का विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। मन की गहराइयों से भावनिक प्रसाद आप दे सकते हैं, अपने वचन से भी मेरे साथ कम से कम 3 बार बोल सकते हैं, सबे सत्ता सुखी भवन्तु, सबे सत्ता सुखी भवन्तु, सबे सत्ता सुखी भवन्तु। कुछ क्षणों के लिए शांति से बैठिए, जो आज आपने मेत्ता भावना का विकास किया है उसका आनंद लीजिए। आज की ध्यान भावना का जो मैत्ता भावना है उसका यही समापन करता हूं। आप सभी ने बड़े धैर्य से इस भावना का विकास किया है, तो आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी